Presenting Plasto Overhead Tanks. Plasto 6-layer Gold, Rough Tough Triple Layer. Plasto Gold 6-layer Easy Clean, 4-layer Foam, and Plasto ISI Double Layer. ये सारी प्लास्टो ओवरहेड टैंक्स 100% फूड ग्रेड वर्जिन प्लास्टिक से बनी है और टैंक साइज के चुनाव के लिए आप इस चार्ट का रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि जनरली एक व्यक्ति दिन में 150 से 200 लीटर तक का पानी इस्तेमाल करता है। प्लास्टो 6-layer गोल्ड टैंक का विशेष फीचर है इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। ये पानी में होने वाले बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को पूरी तरह से किल कर देता है और पानी को पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाता है। टैंक इस्तेमाल करने से पहले उसे अंदर से अच्छी तरह से डिटर्जेंट या सोप से धो लीजिए। फिर टैंक को रस्सी के सहारे छत पर चढ़ाइए। टैंक को ऊपर चढ़ाते वक्त दीवार से 2 फीट की दूरी बनाए रखिए, ताकि टैंक कहीं से डैमेज न हो। अब टैंक को प्लेन यूनिफॉर्म और साफ सरफेस पर ही रखिए, ताकि भविष्य में लीकेज की कोई समस्या ना हो। टैंक को किसी आयरन स्टैंड या ब्रिक्स के ऊपर ना रखें, इससे टैंक जल्दी डैमेज होती है। इंस्टॉलेशन के लिए हमें टैंक में 3 जगह होल्स करने हैं, इनलेट, आउटलेट और ओवरफ्लो के लिए। इनलेट के ठीक ऑपोजिट साइड में थोड़ा नीचे होल करें और ध्यान रखें कि ओवरफ्लो का होल इनलेट से एक साइज बड़ा ही हो। होल्स करने के लिए हमेशा होल्स और कटर का ही इस्तेमाल करें, और हमने यहाँ इस लीड पर इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस दी है। हमारा सुझाव है कि आप आउटलेट की लाइन हमेशा बड़े साइज में ही निकालें, जिससे आपके नलों में प्रेशर की कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी अगर आपको आपके नलों में प्रेशर की कोई समस्या हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इनलेट के इंस्टॉलेशन के लिए हमें लगेगी प्लास्टो की CPVC फिटिंग्स, जैसे कि एक टैंक कनेक्टर, एक यूनियन, एक एल्बो और एक प्लास्टो CPVC पाइप। इनलेट इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ओवरफ्लो के इंस्टॉलेशन के लिए हमें लगेगी प्लास्टो की CPVC फिटिंग्स, जैसे कि एक टैंक कनेक्टर और प्लास्टो CPVC पाइप। ओवरफ्लो इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ओवरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक साइज बड़ा टैंक कनेक्टर लगेगा, क्योंकि इनलेट मोटर से कनेक्टेड होती है और उसका फोर्स ज्यादा होता है। अब हमने यहाँ आउटलेट का होल 47 mm का निकाला है, जिसके इंस्टॉलेशन के लिए हमें लगेगी प्लास्टो की CPVC फिटिंग्स, जैसे कि टैंक कनेक्टर, यूनियन, FTA, बॉल वॉल्व, टी, प्लास्टो ओवरहेड टैंक फिल्टर और प्लास्टो CPVC पाइप। आउटलेट इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और हमारा सुझाव है कि आप आउटलेट में हमेशा टैंक कनेक्टर का ही इस्तेमाल करें, ना कि टैंक निप्पल का। प्लास्टो का ये ओवरहेड टैंक फिल्टर पानी को उसमें आने वाली धूल और कचरे से साफ रखता है। इसे साफ करने के लिए हमें इस कैप को खोलना होगा और इसके कार्ट्रिज को बाहर निकालकर साफ कर देना है। हो सके तो इसे हर 15 दिनों में साफ करें, ताकि पानी का फ्लो बना रहे। ये फूड ग्रेड हाइजीनिक, नॉन टॉक्सिक, कोरोजन रेजिस्टेंट और UV स्टेबलाइज्ड मटेरियल से बना हुआ है। ये लीकेज प्रूफ है और इसका मेंटेनेंस बेहद आसान है। प्लास्टो का ये ओवरहेड टैंक फिल्टर 4 साइजेस में अवेलेबल है, 25 mm, 32 mm, 40 mm एंड 50 mm। आइए अब हम देखते हैं कि आपको एयर वेंट कहाँ और किस जगह इंस्टॉल करनी है। जहाँ आपकी पाइपलाइन सीधा नीचे जाती हो, आपको ठीक वहीं उसी जगह एयर वेंट इंस्टॉल करना है। आमतौर पर पाइप में पानी के साथ हवा भी फ्लो होती है। हवा पानी से हल्की होने के कारण वो पानी के विपरीत पीछे नहीं जा सकती और ना ही नीचे जा सकती है। और अगर इस हवा को बाहर निकलने का मौका ना मिले, तो यहाँ पर एयर पॉकेट बन जाते हैं। इसीलिए एयर वेंट को हमेशा सही जगह ही लगाएं, ताकि हमें पानी का फ्लो सही और ज्यादा मिले। एयर वेंट इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। एयर वेंट की हाइट हमेशा टैंक की हाइट से ज्यादा होनी चाहिए और इसके ऊपर एक टी इस तरह लगाएं, ताकि इसके अंदर कोई कचरा ना जा सके। ये सारी फिटिंग्स प्लास्टो के CPVC सॉल्वेंट से करें, ताकि पाइप और फिटिंग को एक मजबूत जोड़ मिले। सॉल्वेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दी है। टैंक की लीड को हमेशा बंद रखना है, ताकि पानी में कीटाणु और अन्य अशुद्धियां ना फैले। टैंक के लीड पे लगे स्टिकर में दिखाए गए सभी पाइप्स, फिटिंग्स और ओवरहेड टैंक फिल्टर आपको अलग से खरीदना है। ये टैंक के कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। टैंक के साथ मिलने वाला गारंटी कार्ड संभाल कर रखें। प्लास्टो ओवरहेड टैंक्स, प्लास्टो है तो गारंटी है। प्लास्टो के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।